My name is Krish Pandit. Welcome to my YouTube channel, Knowledge with Rekha and Krish. तो आज हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में. हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं. बसंत ऋतु और गर्मी ऋतु और शरद ऋतु और सर्दी ऋतु और हेमंत ऋतु तो और बसंत ऋतु. इनमें अलग अलग बर्ताव आता है और यह अपने समय पर ही आती हैं. जैसे कि गर्मी का महीना है मई और जून. मई और जून में इतनी तेज गर्मी पड़ती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि आग जल रही है. गर्मियों में मई और जून के समय और सबसे बड़ा और इन दिनों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी सी होती हैं. और इनमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून. 21 जून बहुत बड़ा दिन होता है. और गर्मियों में हम पहाड़ियों इलाकों पर जाना पसंद करते हैं और ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं और कॉटन के कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं हम. और अगर आपको अगर गर्मी ही न पड़े तो फसलें भी नहीं उगें. गर्मी और बारिश का एक संबंध है. जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतनी ही बारिश पड़ेगी. जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतनी ही बारिश पड़ती है. और जो गर्मी से जो पहाड़ियों पर बर्फ होती है ना, वो पिघल कर पानी नदियों में बहती है और उससे बारिश होती है. परंतु आप वैसे भी गर्मी से परेशान हैं, परंतु गर्मी हमें जीवन देने वाली ऋतु है. इसका हमें स्वागत करना चाहिए. ये आती है तो हमें एक्साइटेड होना चाहिए. जैसे कि हम घूमने जाते हैं और इसमें हमें इससे धूप और लू से बचना चाहिए. बाय फ्रेंड्स. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही.